Assalamu alaikum. I am Dr. Satyadeep Siddiqui, working as an HR department for University Hospital in the Department of Anesthesia, Surgical Asthma and Pain Management. आज मेरा टास्क है कि अप्रोचेज ऑफ पेन मैनेजमेंट की बात करनी है. तो अप्रोचेज के लिए एक सबसे पहले हमें रिकग्नाइज करना होगा कि पेन को हम अंडर ट्रीट कर रहे हैं. जब पेन अंडर ट्रीट हो रहा है तो फिर हमें इस पर ज़्यादा गौर से देखना होगा और उसको डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी कि वॉट इज द कॉज ऑफ दिस पेन और फिर उसको हम किस तरह से लेके चलेंगे आगे. अब पेन मैनेजमेंट तो कोई भी कर लेता है, घर की मासियाँ या मालिश करने वाले भी कर लेते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द राइट अप्रोच. राइट अप्रोच शुड बी डन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर और इसके लिए हमें पेशेंट को बैठा करके उससे पूरी बात करनी होगी, हिस्ट्री लेनी होगी. उसकी हिस्ट्री की जो 10 बातें होती हैं वो ज़रूर पूछनी होगी उससे और उससे इस तरह से बात करनी होगी कि उसको ये यकीन आ जाए कि यू आर द पर्सन हु कैन ट्रीट हिज पेन. एक रेपो बनानी होगी उसके साथ. जैसे उसके साथ रेपो बनती है वो पूरी हर चीज़ खुल के आपको बता देता है. जब वो खुल के बताता है तो इट इज़ वेरी इजी टू डायग्नोज कि उसका वजह क्या है पेन की. जब आप डायग्नोसिस बनाते हैं उससे पहले आपको हिस्ट्री और फिर एग्जामिनेशन करना होगा. एग्जामिनेशन का प्रॉपर तरीका होना चाहिए जो कि जाहिर सीखना पड़ता है और उसके बाद आप एक डायग्नोसिस बनाते हैं. डायग्नोसिस इज मस्ट. एक बेग नहीं चल सकता कि अगर फॉर एग्जाम्पल बैक पेन है तो ये 4 दवाएं दे दो ठीक हो जाएगा. यू शुड मेक अ डायग्नोसिस कि इज इट बिकॉज ऑफ बोन डिस्क है या नर्व्स हैं या मसल स्पैज़म है या कोई सिंपल सी चीज़ है. वहाँ पर एक डायग्नोसिस बनाएं. उसके लिए पेशेंट की हिस्ट्री एग्जामिनेशन करने के बाद पेशेंट को बैठ के बताएं और उसको काउंसिल करें कि आपका पेशेंट आपका दर्द जो है वो हम एक हद तक ठीक कर सकते हैं. कभी भी पेशेंट को ये नहीं बोलना चाहिए कि आप 100% दर्द में ठीक कर दूंगे. 100% का मतलब है कि उसकी इतनी एक्सपेक्टेशन हो जाती है, वो अगर 2% में रह गया तो वो आगे यही बोलेगा मेरा तो दर्द ठीक नहीं हुआ. हमेशा पेशेंट को सच बताएं, उनको बताएं. अगर फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक पेन है तो उनको बताएं कि ये हम आपका पूरी कोशिश करेंगे ठीक करने की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि 100% ठीक हो सकेगा. आपको कुछ दर्द के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी. ये मरीज को समझाना पड़ता है. जब पहले दिन ही उसको हम डायग्नोसिस बना के मरीज को समझा देते हैं तो वो फिर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत दर्द तो रहेगा, ओके चलो रहेगा. तो बहुत फ़ायदा होता है इससे. तो जहाँ तक बात है कि उसके हिस्ट्री बनाई, एग्जामिनेशन किया, अगर ज़रूरत है तो कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएँ और ज़रूरत होती है तो ज़रूर कराना चाहिए. इसके बाद उसकी डायग्नोसिस बन जाएगी. डायग्नोसिस के बाद आप ये देखें कि उसके साथ फर्दर जो उसको कॉम्प्लिकेशन अगर कुछ चल रही है रीनल सिस्टम में या लीवर सही नहीं है या, तो फिर आप सोचें कि इसको कौन सी ड्रग्स देनी है. जब ड्रग हम डिसाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा उसको वो ड्रग देते ही रहें. आपको एक मल्टी मॉडल टेक्निक सोचनी पड़ेगी. यही अप्रोच है कि आप मल्टी मॉडल टेक्निक और मल्टी मॉडल एनाल्जीजिया सोचें उसको और उसको बताएं. हर पेशेंट को ये ज़रूर बताएं कि आपको इस दर्द के साथ ये फिजियोथेरेपी करनी है या करनी है, ज़रूर बताएं. क्योंकि फिजियोथेरेपी से बहुत फ़ायदा है, मसल स्पैज़म कम होता है और पेशेंट से मसरूफ़ हो जाता है, वो कुछ और सोचने लगता है. क्रॉनिक पेन में तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है. जब वो कुछ और सोचता है तो दर्द हो जाता है थोड़ी देर के लिए. जब दर्द हो जाता है फिजियोथेरेपी के दौरान जो उसके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, कुछ और हार्मोन रिलीज होते हैं, तो उससे उसका दर्द ठीक होता है, बिल्कुल होता है. तो थोड़ी सी फिजियोथेरेपी और थोड़ी सी फार्माकोलॉजी मिला करके उसका काफ़ी फायदा हो सकता है. प्लस ये कि जो दूसरी कुछ होम रेमेडीज होती हैं, जो कि होम रेमेडीज नहीं मतलब जैसे ये कि कोल्ड एप्लीकेशन या कुछ हॉट वाटर एप्लीकेशन, कुछ इस तरह की चीज़ें, वो भी ज़रूर पेशेंट को बताएं. इसमें फ़ायदा ये होगा कि वो थोड़ा सा बिजी हो जाएगा इन चीज़ों में, और ज़ाहिर फ़ायदा तो होती ही है कि वहाँ पर कुछ वैसोडाइलेशन होती है, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उससे भी उसको फ़ायदा होता है. ये तो बिल्कुल सिंपल बातें हैं, ये तो कोई भी कर सकता है. हूँ तो मैं इंटरवेंशन करने वाले डॉक्टर, लेकिन ये कि स्टार्ट हम हमेशा इसी से करते हैं. ऐसा नहीं होता कि पेशेंट आए और फौरन हम उसको कोई ना कोई बड़ा टीका लगाने खड़े हो गए. पेशेंट को स्टार्ट इसी तरह करना चाहिए. और या तो ये कि वो ये सब ट्रीटमेंट लेके आ रहा होगा आपके पास, तो फिर आप देखेंगे अब हमें कहाँ से लेके चलना है. जो WHO का लेटर है उस पर कहाँ पर पेशेंट. इसके बाद फिर आप ये देखें कि जब कोई इंटरवेंशन करने की अगर ज़रूरत पड़ी कि उसका फार्माकोलॉजी से और इन चीज़ों से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क तो ज़रूर पड़ा होगा, तो फिर इंटरवेंशन सोचनी होगी कि कौन सी इंटरवेंशन करनी है, कौन इस काबिल है करेगा और इस इंटरवेंशन से पेशेंट को मजीद कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा. तो ये अब आप जब सोच लेंगे और एक प्लान बना लेंगे, पेशेंट से डिस्कस कर लेंगे, उसकी फैमिली से डिस्कस कर लेंगे, तो आप एक कंक्लूजन में पहुंच सकेंगे कि उसको किस तरह से लेके चलना है. जो बातें मैंने अभी आपको बताई ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, इसमें कोई खास एक पेन की बात नहीं हुई है. ये एक जनरल बात हुई है कि कोई भी पेन लेके पेशेंट आता है तो उसको किस तरह से लेके चलना चाहिए. थैंक यू वेरी मच.